आज की ताज़ा तरीन खबर के साथ आपको अपडेट करते चलते हैं कि पहले पहले पका लें जी। अस्सलामुअलैकुम, मुल्तान की ठंडी ठंडी हवाएं आपको नए व्लॉग में खुश आमदीद कहती हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। साइड मिरर चेक। तो जी वो बाइक राइडिंग सीज़न हैज़ ऑफिशियली स्टार्टेड। ये ठंडी ठंडी हवाएं, सर्दियां आ गई हैं और राइडिंग बेतहाशा। भाईजान डराती है, डराती है। अच्छा काबू में रहना प्लीज। तो जी हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, हमारे प्यारे भूसा वे। एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मीटअप पॉइंट। हमारे प्यारे बिल आ रहे, आप लोग भी जानते होंगे, हमजा भाई ने बाइक चेंज की है। तो फिलहाल आप अभी तक गैस करेंगे कौन सी बाइक ली है, तो वहाँ पे बाकी आपको चल के दिखाएंगे। तब तक गैस करते रहे। पिछला उनके पास था सुजुकी जिक्सर 1000 2017। तो अभी भी मिलता जुलता ही है, बट गैस कर लें तो बेहतर है। ओए खड्डा तेरी ऐसी की तैसी। तो चले जी मिलते हैं आपसे वहां जाकर। ओके तो जी सफर शुरू हो चुका है हमारा। हाय रंगपुर की तरफ। आज फाइनली इतना प्यारा सनसेट, पता नहीं शायद सनसेट मिलता भी है या नहीं, बादल आए हैं, बट मौसम बहुत ज़्यादा मज़ेदार हुआ पड़ा है। लेकिन वी वर होपिंग के कुछ सूरज निकल जाए, क्योंकि उधर तस्वीरें खींचने का मज़ा आएगा। दिस वॉज द हमजा भाई जिक्सर 1000R, और माशाल्लाह से जो आगे GS जा रहा है वो भी उन्हीं का है। हुनैन इज राइडिंग हिज जिक्सर 1000R। गुस्ताखी, माफ, R कहना पड़ता है लाजमी, अपग्रेड जो हो गया। और हमजा भाई अपने GS पर है। तमीज़िया, शर्म नहीं आती तुझे? ये रोड है भगाने वाली। सॉरी यार। तो कोई भी नहीं भगा रहा, सिर्फ मैं ही पागल हुआ पड़ा हूँ। तो जी इसी के साथ मैं बताता चलूँ कि 1000 सिंपल सुजुकी जिक्सर 1000 में और 1000R में क्या फ़र्क है। एक्चुअली दे सोफ़ा के सस्पेंशन आ जाते हैं, मॉडल एग्जैक्ट नहीं पता, और क्विक शिफ्टर आ जाता है आपके पास, DRL आ जाती हैं। बाइक इस टाइम स्टॉक हालत में खड़ा है। ओह यस, ओए स्टॉक एग्जॉस्ट, और मज़े की बात, सबसे मज़े की बात, 1 किलोमीटर 0 मीटर बाइक, माशाल्लाह।
भाई से हमने ज़्यादा लिया, हमने कहा थे थोड़ा सा इस बाइक का रिव्यू, और ऊपर से हैवी 0 मीटर माशाल्लाह, तो हमने कहा चले वापसी पे थोड़ा सा इसका रिव्यू करते हुए चलें। अब हम वगैरह वापसी की तरफ है, तो लेट्स सी। बाइक सबसे पहले जाते हुए मैंने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा चलाया था, सबसे पहले जो बात चीज़ होती है वो स्मूथ इतना है, ओए हो जिक्सर की यही बात बहुत ज़बरदस्त है कि इतना स्मूथ। बट अभी स्टॉक एग्जॉस्ट है, सिर्फ साउंड इंजन की है, शुभ ऐसे हल्की सी आवाज़ आती है शुभ। अब बस वहाँ घर वापसी की तरफ रवाना दवा। तो जी बाइक इनिशियल स्टेजेस में है, तो अगर 8000 RPM से ऊपर लेके जाते हैं तो बाइक के साथ ज़्यादती होगी, तो इसलिए फ़िलहाल अभी 8000 RPM पे ही रख के चलाते हैं इसको। लेकिन बाइक का यार क्विक शिफ्टर इतना मज़े का है, इतना मज़े का हाथ ही नहीं है। ये देखें ऑटो ब्लिपर, ओए हो पता भी नहीं चलने देता, ओए हो बहुत स्मूथ है माशाल्लाह। बाइक ने अपने 231 किलोमीटर कर लिए, खूबसूरत मशीन, ब्लैक कलर की, और आज तुम्हें जैकेट के साथ ही मैच हो रही है, यस। बहुत स्मूथ बाइक है माशाल्लाह। जोश और बदतमीज है, रोड तो देख ले वापसी पे रश हो रहा है। बहुत खूबसूरत मशीन है माशाल्लाह। अच्छा जब सिम पिछली वाली बाइक से कंपैरिजन करें तो जो सबसे ज़्यादा जो चेंज आता है वो मीटर का ही है, क्योंकि उसका वाइट एंड वो था और इसका ब्लैक एंड ग्रीन टाइप से शेड है। लेकिन जो खूबसूरत इसके DRL लगते हैं, ओए होए 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 यार कमाल माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमजा भाई को चलाना नसीब करे। तो जी सबसे पहले ये पोस्टर की चेंज हुई, उसका पोस्टर इतना कॉम्पैक्ट है, इतना कॉम्पैक्ट है बता नहीं सकता मैं। इंशाल्लाह जब उसकी रनिंग पूरी हो जाएगी तब उस बाइक को उसकी लिमिट्स पे हमजा भाई से देखेंगे उसके ब्लॉग में, तो हमजा भाई के चैनल में इंशाल्लाह उसमें भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपने देखना है मोर ऑफ इस कंटेंट तो। हमजा भाई ने इसमें मॉडिफिकेशन हल्की सी करवाई हुई थी, मैं आपको बताना चलूँ, NRC की बैक टेल लगी हुई जो कि जिक्सर का कोई मैच नहीं है यार। अगर आपने लगानी है कभी, अगर आपने अपने 2017 में, तो बेस्ट है। हाँ वो अलग बात है कि इंडिकेटर की कमी महसूस होती है, बट NRC से ऊपर कोई नहीं है। NRC की R1 की भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसकी भी, और साथ हमजा भाई ने RNG के क्रैश प्रोटेक्टर लगाए हुए हैं। बाकी फ़िलहाल अभी तो मुझे यही नज़र आया, बाकी गुस्ताखी माफ हमजा भाई, अगर कुछ और हुआ तो वो मेरे नज़र में नहीं आया था।